6 मई को मध्य प्रदेश बीजेपी को लगेगा जबरदस्त झटका। नंद कुमार साय की कांग्रेस में एंट्री से छत्तीसगढ़ बीजेपी हैरान। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष का दावा, छत्तीसगढ़ में ट्रेलर दिखा, पिक्चर एमपी में दिखेगी। बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में शामिल होने के कतार में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं, ऐसे में अभी से दल बदल का खेल शुरू हो चुका है। एक तरफ छत्तीसगढ़ में सभी को चौंकाते हुए पूर्व सांसद और आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया, तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने दावा करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के साथ खेला होने वाला है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ ट्रेलर दिखाया गया है, पिक्चर अभी बाकी है जो मध्य प्रदेश में दिखाई देगी। देखते जाइए आगे आगे क्या क्या होता है। वैसे कमलनाथ पहले भी कई बीजेपी नेताओं के उनके संपर्क में होने का दावा कर चुके हैं, और अब कमलनाथ जो इशारा कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश के सीएम रह चुके कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी के बारे में है। कैलाश जोशी को मध्य प्रदेश में बीजेपी को शुरुआत में मजबूत करने वाला नेता माना जाता है। वो जनसंघ के जमाने से ही भगवा दल में जुड़े हुए थे, और अब उनके बेटे बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने की तैयारी कर ली है। और संकेत ये मिल रहे हैं कि 6 मई को दीपक जोशी भोपाल में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। सबसे बड़ी बात, दीपक जोशी को लेकर साफ साफ संकेत आ रहे हैं कि वो बीजेपी छोड़ रहे हैं। उसके बावजूद भी बीजेपी किसी बड़े नेता का बयान नहीं आ रहा है जो संकेत दे कि पूर्व सीएम के बेटे बीजेपी नहीं छोड़ रहे हैं। दीपक जोशी ने दावा किया है कि बीजेपी में उनकी उपेक्षा हो रही है, ऐसे में उनके पास विकल्प सीमित ही रह गए हैं। इस बीच कमलनाथ ने एक ऐसा बयान भी दिया है जिससे पूर्व सीएम के बेटे की कांग्रेस में एंट्री पर शंका भी हो रही है। भोपाल में पार्टी कार्यालय में मध्य प्रदेश कांग्रेस के जिला संगठन मंत्रियों की बैठक में कमलनाथ ने कहा कि कार्यकर्ताओं से मेरा संबंध है, कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, थके हुए नेताओं की आवश्यकता नहीं है। दीपक जोशी बीजेपी इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि पार्टी ने उन्हें किनारे लगा दिया है, ऐसे में वो कांग्रेस के लिए कितने महत्वपूर्ण होंगे ये समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि दीपक जोशी के बीजेपी से कांग्रेस में जाने से कांग्रेस को बीजेपी पर चुनाव से पहले बढ़त जरूर मिल जाएगी। दरअसल एक दिन पहले ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी के दिग्गज आदिवासी नेता और छत्तीसगढ़ से पूर्व सांसद नंद कुमार साय ने बीजेपी छोड़ दी है। उन्होंने प्राथमिक सदस्यता पद से इस्तीफा दे दिया है। नंद कुमार ने प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को पत्र लिखकर अपने इस्तीफे की जानकारी दे दी है। अब इसके बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी में खलबली मच गई है। वहीं सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। साय का बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में जाना न सिर्फ छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव बल्कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर भी गहरा असर दिखाएगा। साय 3 साल तक अविभाजित मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। साल 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन से पहले वो मध्य प्रदेश की राजनीति में काफी सक्रिय रहे हैं, यहाँ तक कि पीएम नरेंद्र मोदी के भी वो करीबी बताए जाते हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि साय का असर एमपी की राजनीति में कितना गहरा छाप छोड़ती है, ये देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ी बात तो ये, साय 1.5 महीने पहले तक भूपेश बघेल के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने की बात कर रहे थे। भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ फेंकने की बातें कह रहे थे, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के बाद अब बीजेपी को मध्य प्रदेश में कई बड़े झटके लगने वाले हैं। पहला झटका तो 6 मई को लगेगा और उसके बाद कई झटके बीजेपी को लगने वाले हैं। कमलनाथ के साथ ही पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी कह चुके हैं कि बीजेपी के कई नेता उनके संपर्क में हैं। बस इंतजार चुनाव के ऐलान का हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक दर्पण न्यूज़।